नमस्कार मेरे प्यारे छात्र मित्रों, तुलजा भवानी प्राथमिक विद्या मंदिर संत ज्ञानेश्वर नगर लातूर हमारी इस पाठशाला के वर्चुअल क्लासरूम में आप सभी का फिर से एक बार हार्दिक हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज की इस तासिका में हम कक्षा पांचवी विषय हिंदी, इस हिंदी विषय के जो हमारे व्याकरण का जो भाग हम पिछले कुछ तासिकाओं में शुरू किया है पढ़ाने के लिए, आज उसी व्याकरण का हमारा जो अगला पाठ है जिसका नाम है लिंग, इसका अध्ययन अध्यापन आज हम इस तासिका में करेंगे। तो देखो बच्चों, तो सबसे पहले मैं इस लिंग किसे कहा जाता है इसकी व्याख्या मैं यहाँ लिख कर दूंगा और बाद में मैं आपको इसके कुछ उदाहरण और इसको आपको मैं लिंग किसे कहते हैं इसके उदाहरण मैं आपको समझाऊंगा। तो देखो, इस लिंग मतलब क्या, जिस पद से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध यानी ज्ञान समझना होता है उसे लिंग कहते हैं। देखो, अभी हिंदी भाषा जब हम बोलते हैं या लिखते हैं तो उसमें बहुत सारे वाक्य आते हैं, शब्द रचनाएं होती है। तो उन वाक्यों से या उन शब्द रचनाओं से हमें बोध होना चाहिए कि मतलब किसी स्त्री को हमने वाक्य बोला है या पुरुष को बोला है, मतलब स्त्री जाति का शब्द और पुरुष जाति का शब्द ये अलग अलग है, बराबर है। मैं लड़का हूं, बराबर है, मैं पुरुष हूं, इससे हमें क्या ज्ञान मिलता है, किसका बोध होता है कि अरे ये पुरुष जाति का शब्द है, वो लड़की है, वो औरत है। इस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, इस वाक्य से वह गाय है, वह बैल है पुरुष जाति का बोध होता है, गाय है स्त्री जाति का बोध होता है। तो वाक्य में आए जिस पद से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध हमें होता है उस शब्द को हम क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। देखो हिंदी भाषा में ये सब आपको लिखना है और इसका पाठांतर भी करना है। देखो हिंदी भाषा में दो लिंग है, हिंदी भाषा में दो लिंग है जिसका प्रकार है, पहला प्रकार है पुल्लिंग, देखो पुल्लिंग, और दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, यह लिंग के दो प्रकार हिंदी विषय में होते हैं। तो अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग हमें किसे कहना है इसकी भी व्याख्या आपको लिखनी है, मैं बाद में आपको उसको समझाता हूं। देखो पहला है पुल्लिंग, पुल्लिंग इस प्रकार की व्याख्या आप लिख लीजिए, जिस पद से वाक्य में आए, देखो जिस पद से पुरुष जाति, सिर्फ पुरुष जातियां, ये शब्द महत्वपूर्ण है इस व्याख्या में। देखो मैं यहां पे हाइलाइट भी करता हूं, अंडरलाइन करता हूं शब्द को, पुरुष जाति का बोध यानी क्या, ज्ञान होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं।
सभी वाक्य यहां पे पुरुष लड़का घोड़ा छात्र छात्रा। देखो इस व्याख्या पुल्लिंग हमें किसे कहना है, इसकी जो व्याख्या है, देखो पुल्लिंग इस शब्द की व्याख्या यहां पे मैंने लिखी है, जिस पद से मतलब वाक्य में आए जिस पद से पुरुष जाति का बोध या ज्ञान हमें होता है उस शब्द को हमें क्या कहना है, पुल्लिंग शब्द कहना है। मतलब देखो वाक्य में जैसे मोर एक बहुत खूबसूरत पक्षी है, तो मोर इस शब्द को हम क्या कहेंगे, पुल्लिंग शब्द कहेंगे। पुरुष लड़का घोड़ा और छात्रा ये सभी क्या है, पुल्लिंग शब्द के उदाहरण है। तो बच्चों देखो इस लिंग में हमने सबसे पहले लिंग इस शब्द की व्याख्या यहां पर मैंने आपको लिख कर दिए, जिस पद से पुरुष जाति या स्त्री जाति का बोध या ज्ञान हमें होता है उस पद को, उस शब्द को हमें लिंग कहना है। हिंदी भाषा में दो प्रकार के लिंग होते हैं, पहला प्रकार है पुल्लिंग और दूसरा प्रकार है स्त्रीलिंग। उसमें का जो पहला प्रकार है पुल्लिंग, इसकी व्याख्या मैंने यहां पर लिख कर दिए, जिस पद से पुरुष जाति का बोध होता हो मतलब ज्ञान होता है उसे हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। जैसे मोर पुरुष लड़का घोड़ा और छात्र, यह पुल्लिंग शब्द है। तो इसको आपको क्या करना है, आपके वर्ग पाठ्य कॉपी में यह लिखकर उसका पाठांतर भी करना आवश्यक है। तो मैं अभी दूसरा जो स्त्रीलिंग जो है इसकी व्याख्या मैं आपको यहां पर लिख कर दूंगा। देखो इन व्याख्याओं को अगर आपने कंठस्थ किया तभी आपको इस व्याकरण का जो यह भाग मैं पढ़ा रहा हूं यह आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। इसलिए आपको इन व्याख्याओं को वीडियो को स्टॉप करते हुए लिखना है, लिख कर लेना है, ठीक है। तो देखो बच्चों अगली जो व्याख्या मैं यहां पर लिखने जा रहा हूं वो है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग जिस पद से स्त्री जाति का जिस पद से, देखो यहां पे मैंने स्त्री जाति का बोध मतलब ज्ञान होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। देखो यहां उदाहरण के तौर पर मैं जैसे बताता हूं, लड़की घोड़ी मोरनी, ठीक है, ये शब्द स्त्रीलिंग। इस शब्द की व्याख्या आप देखो कि जिस पद से स्त्री जाति का बोध या ज्ञान हमें होता है उस शब्द को हम क्या कहेंगे, स्त्रीलिंग शब्द कहेंगे। जैसे लड़की घोड़ी मोरनी, इन शब्दों से हमें स्त्री जाति का बोध होता है इसलिए हमने इन शब्दों को क्या किया है, स्त्रीलिंग कहा है। तो ये हो गए सभी जो दो प्रकार मैंने बताए थे लिंग के, यह दो प्रकार स्त्रीलिंग और पुल्लिंग यह हमने आज यहां पर सीखे हैं। इनकी व्याख्या मैंने आपको लिख कर दिए, इन व्याख्याओं को आपको आपकी वर्ग पाठ की कॉपी में लिखना है और उसे कंठस्थ भी करना है। तो बच्चों आपके मन में विचार आता होगा कि यह सब सर आपने तो बताया है कि, लेकिन यह सभी जो
शब्द स्त्रीलिंग शब्द या पुल्लिंग शब्द है, यह हम सिर्फ और सिर्फ सजु जो हमारे आसपास के जो सजु है इनके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब यह प्रश्न हमें पड़ता होगा कि निर्जीव वस्तुओं के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो देखो मैं उसका भी आपको हल बताता हूं। यह आपके वर्ग पाठिका में लिख लीजिए। अब निर्जीव जो वस्तुएं हैं, निर्जीव वस्तुओं को, निर्जीव वस्तुओं को भी उनके आकार, उनके आकार, गुण वजन, गुण वजन आदि के अनुसार, आदि के अनुसार, आदि के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। जैसे देखो अभी पुल्लिंग शब्द, यह जो मैंने आपको बताया है निर्जीव वस्तुओं के भी उनके जो आकार है, गुणधर्म है या वजन है आदि के अनुसार हमने पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में बांटा है। तो देखो पुल्लिंग शब्द कौन से हैं इसमें, उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं, मैदान, सागर, पहाड़, पर्वत, गांव, शहर, पेड़, पत्थर, घड़ा, ये सभी पुल्लिंग शब्द हैं। अब इसमें स्त्रीलिंग शब्द हम देखते हैं कौन से हैं। निर्जीव वस्तुओं के जो स्त्रीलिंग शब्द के बारे में हम बताते हैं, धरती, नदी, डाली, टहनी, सुई, मक्की, घड़ी, कलम आदि। तो देखो बच्चों, यह शब्द जो है मतलब निर्जीव वस्तुओं को उनके आकार, गुणधर्म, वजन आदि के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों में बांटा गया है। जैसे कि पुल्लिंग शब्द है मैदान, सागर, पहाड़, पर्वत, गांव, शहर, पेड़, पत्थर, घड़ा, और भी है लेकिन उदाहरण के तौर पर मैंने इतने ही दिए आपको। स्त्रीलिंग शब्द है धरती, नदी, डाली, टहनी, सुई, मटकी, घड़ी, कलम। देखो यह स्त्रीलिंग और यह पुल्लिंग शब्द यहाँ पर मैंने लिखे हैं, ये भी आपको आपके वर्ग पाठ की कॉपी में लिखने हैं। और आज की इस तासिका में मैंने आपको लिंग किसे कहते इसकी व्याख्या बताई है। हिंदी भाषा में दो लिंग होते हैं जैसे कि पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, इनके बारे में भी आपको मैंने जानकारी दी, उनकी व्याख्याएं बताई है, शब्द उदाहरण के तौर पर यहाँ पे मैंने बताया। निर्जीव वस्तुओं के लिए भी उनके आकार, गुण, वजन आदि के अनुसार पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में बांटा गया है। वह कौन से शब्द है उदाहरण के तौर पर इसकी भी जानकारी मैंने इस तासिका में आपको दी गई मैंने दी है। तो देखो बच्चों, इस तासिका में आज हम इतना ही सीखेंगे। अगली तासिका में हम कुछ उदाहरण मैं आपको लिख कर दूंगा, वह आपको लिख कर लेने होंगे उनका,
पाठांतर करणारी आपको आवश्यक होगा। तो आज की तासिका में बस इतना ही। सभी से मेरा एक अनुरोध है, इस कोरोना नाम की जो महाभयंकर बीमारी है, इससे बचाव के लिए आप सभी को जो भी नियम है उन नियमों का पालन करना है। जैसे हाथ साबुन से स्वच्छ धोने हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना है, बाहर जाते हो मास्क का इस्तेमाल करना है। इन सारी चीजों का अगर आप ध्यान रखते हो तो आपको कोरोना नहीं होगा। तो आपको मेरी एक गुजारिश है, आप इस कोरोना महामारी से बचने के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम स्टे सेफ।